करते हैं लखनऊ से खबर। चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा ने मंथन शुरू किया है। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों पर मंथन शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री धर्मपाल सिंह कर रहे हैं मंथन। दावेदारों के बीच से तीन तीन नाम निकलकर सामने आए हैं। आगामी कोर कमेटी की बैठक में नामों पर मोहर लगेगी। केंद्रीय नेतृत्व को उपचुनाव के लिए नाम भेजे जाएंगे। सपा का भी मैनपुरी सीट के लिए मंथन जारी है। तेज प्रताप को प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी सीमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीमाब, देखिए उपचुनाव को लेकर मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही मंथन कर रही हैं। क्या इसको लेकर जानकारी सामने आ रही है? कौन कौन से वो नाम है जो उपचुनाव को लेकर दावेदारों के तौर पर एक तरह से सामने आ रहे हैं? सीमाब, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में हमेशा रहती है, और जब मैनपुरी और आजम खान की सीट जो है वो खाली हुई है रामपुर से, तो उसको लेकर भी मंथन शुरू कर दिया गया है कि वहाँ पे प्रत्याशी जो है वो कौन होगा। इसको लेकर पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और अपर्णा यादव का भी नाम सामने आ रहा है कि इन दोनों पर भी, इन दोनों में से भी किसी एक पर बीजेपी जो है वो दांव लगा सकती है मैनपुरी सीट के लिए। वहीं पर रामपुर की अगर बात की जाए तो रामपुर में जो पुराने प्रत्याशी आकाश सक्सेना थे उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाने की तैयारी में जुटी हुई है कि आकाश सक्सेना को एक बार फिर से चुनाव लड़ाया गया जाए, क्योंकि आजम खान के खिलाफ उन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी है और तमाम कोर्ट में मुकदमे वगैरह भी उन्होंने ही दायर किए थे, तमाम जाँचों को लेकर शिकायत भी उनके तरफ से की गई थी। अब इस पे कोर कमेटी की बैठक होगी और तमाम नाम और भी निकल कर सामने आए भारतीय जनता पार्टी के पास मैनपुरी सीट को लेकर, उस पर मंथन किया जाएगा और केंद्रीय नेतृत्व को नाम भेजे जाएंगे। फिर केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा उस पर अंतिम मोहर लगेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो मैनपुरी सीट से तेज प्रताप यादव का नाम जो है वो प्रमुखता से चल रहा है अभी। हालांकि समाजवादी पार्टी में भी मंथन जारी है। तमाम बड़े नेता रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और जो उनके परिवार के अंदर तमाम लोग हैं उन लोगों से राय मशवरा चल रहा है, और उसके बाद फिर जो है वो फाइनल नाम की घोषणा की जाएगी कि किसको मैदान में उतारा जाए ताकि समाजवादी पार्टी जो आप अपना गढ़ है उसको बचाने में कामयाब हो सके। वहीं रामपुर सीट की अगर बात करें तो अब चूंकि आजम खान चुनाव नहीं लड़ पाएंगे सजा होने के बाद से, तो अब आजम खान की तरफ सब लोग देख रहे हैं कि आजम खान अपनी जगह पे किसको प्रत्याशी बनाते हैं। अब उनके इशारे का इंतजार हो रहा है कि समाजवादी पार्टी से की तरफ से जो है वो आजम खान इशारा करें कि फलाने व्यक्ति को हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं तो उसको टिकट घोषित किया जाए। बहरहाल कल से नामांकन शुरू है और ऐसे में दोनों दल, एक तो समाजवादी पार्टी की दोनों सीटें रही हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को अपने कब्जे में लेना चाहती है, इसलिए पूरी जी जान के साथ दोनों दल मेहनत करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल सीमा, और देखा जाए तो देखिए मैनपुरी की जो सीट है या फिर रामपुर की जो सीट है समाजवादी पार्टी के कब्जे में काफी वक्त से रही है। कहा जाए एक तरफ जहां पर नेताजी का यहां पर दबदबा रहा है, वो लगातार यहां से जीत हासिल करते रहे हैं मैनपुरी से, तो वहीं पर आजम खान जो है वो आजमगढ़ से जीत हासिल करते रहे हैं। तो इन दोनों ही गढ़ों को बचाने के लिए समाजवादी पार्टी के सामने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती भी होगी। सीमा, देखिए जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती चुनाव जीतने के लिए। अभी पिछले दिनों जब लोकसभा का उपचुनाव रामपुर में हुआ था और आजमगढ़ में हुआ था, तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गुड़ा गणित लगाए थे, तमाम ताकत झोंकी थी और उसके बाद दोनों सीटों पर फतेह हासिल की थी। जबकि रामपुर सीट जो है वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है और वहाँ पर आजम खान का दबदबा माना जाता है, और ये सीट जो आजमगढ़ वाली है ये अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद से खाली हुई थी। तो दोनों सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है इस बार, तो ये माना जा सकता है कि मैनपुरी और रामपुर दोबारा जब बाई इलेक्शन होने जा रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। ऐसे में अखिलेश यादव को
कहीं ना कहीं परिवार को भी साथ के रखना होगा, क्योंकि वहां पे यादव बाहुल्य क्षेत्र है और परिवार के अन्य नेताओं के साथ भी तमाम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, बड़े लोग जुड़े हुए हैं। तो तमाम गुड़ा गणित और सही प्रत्याशी का चयन करना होगा ताकि यहाँ पे वो डिफीट ना खा पाए। और रामपुर में आजम खां चूंकि बड़े नेता रहे हैं, कई बार से विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो ऐसे में आजम खां की सहमति के बिना वहां पर समाजवादी पार्टी कोई भी प्रत्याशी नहीं उतारेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीमा आपका इस तमाम जानकारी के लिए।